मुझे एक सवाल आया है कि जो हम गूगल फोटोज में, गूगल ड्राइव्स में फोटोज को सेव करके रखते हैं, क्या वो सेफ है? तो चलो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बादल और आप सबको फिर से स्वागत कर रहा हूं इस डेविल टेक टिप्स चैनल में। ऑनलाइन पे हमारा फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स सेफ है कि नहीं जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ऑनलाइन में फोटो सेव कहाँ होता है। हमारा फोटो को ऑनलाइन में हम जब पोस्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं मेरा फोटो को फेसबुक या इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, तो वो फोटो क्या होता है, जाके उसके सर्वर में सेव होता है। जैसे कि मैं फेसबुक में मेरा प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया, तो मेरा प्रोफाइल पिक्चर जो फोटो है वो फोटो जाके फेसबुक में सेव होके रहेगा। अगर मैं एक वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो वीडियो भी हमारा फेसबुक के सर्वर पे जाके सेव होता है। तो गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव्स में हम जो भी फोटोज को अपलोड करते हैं, वो जाके गूगल के जो सर्वर है वहाँ पे सेव होता है। वैसे हम क्यों गूगल ड्राइव एंड गूगल फोटोज को यूज़ करते हैं? क्योंकि देखो, हमारा मोबाइल में एक लिमिटेड स्टोरेज होता है। वैसे हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप और जो पेन ड्राइव वगैरह आपके पास जो भी हो, वो क्या होता है, लिमिटेड स्टोरेज के साथ आता है। बट गूगल ने क्या किया है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप आपके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके सर्वर पे सेव कर सकते हो। वो वाला सर्विस गूगल आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल में रखते हैं। और अगर ऐसा कभी ना हो, बट अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी हो गया और आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब हो गया, तो ऐसे होने से हमारा डाटा मिस हो जाने का बहुत चांस होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन में मतलब गूगल के सर्वर पे जाके हम सेव करते हैं। गूगल ड्राइव हो, गूगल फोटोज़ हो, वहाँ पे अपना जो डाटा है, हम मतलब वो फोटोज़ हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, हम वहाँ पे जाके सेव करते हैं। तो जो हम ऑनलाइन में सेव करते हैं, क्या वो सेफ है? जी हाँ, वो बिल्कुल ही सेफ है। क्योंकि गूगल का एक प्राइवेसी पॉलिसी है, जिसके द्वारा हमारा जो भी डाटा हम गूगल में रखते हैं, वो क्या होता है, एनक्रिप्टेड होके रहता है। एनक्रिप्टेड मतलब ताला लग के, मतलब आपको क्या करता है, गूगल आपके चीज को लेके अपने पास रखता है, वहाँ पे ताला डाल के चाबी आपको दे देता है। जैसे कि आपको तो पता होगा, बैंक लॉकर में आप अगर कुछ चीज़ें रखे हों कभी, तो बैंक क्या करता है, आपको लॉकर प्रोवाइड करते हैं, और लॉकर में आप चीज़ें रख के वहाँ पे ताला लगा के आप चाबी अपने साथ ले सकते हो। वैसे गूगल भी क्या करता है, आपके डाटा को अपने पास रखता है, बट एनक्रिप्शन करके, मतलब केवल आप ही आपके डाटा को एक्सेस कर सकते हो। बट मैं क्या बोला, गूगल ने ताला डाल के चाबी आपके हाथ में दे दिया, ठीक है, बट गूगल भी उसे एक्सेस कर सकता है। क्योंकि गूगल को भी पता करना है कि कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो, उसी लिए क्या करता है, गूगल अपने पास भी उसका पावर रखता है। बट गूगल या उसका कोई भी एम्प्लॉइज आपके उस डाटा को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। उसके लिए एक अलग सा प्रोसीजर होता है आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए। वैसे अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ से डाटा को ले सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है कि हाँ भाई, आप हमारे यहाँ पे आपका गूगल का सर्विस यूज़ कर सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट ही बैन कर देगा गूगल को, तो फिर उसका बहुत सारे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है गूगल ने, गवर्नमेंट को उसके जो हमारे जो डाटा को एक्सेस करने का पावर देता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो गूगल पे, तो वो सारे डाटा सेव होता है, बट उसे गवर्नमेंट भी देख सकता है अगर वो चाहे तो। हमारा डाउट ये है कि कोई थर्ड पर्सन उसे एक्सेस कर सकता है कि नहीं। वैसे गूगल कंपनी एंड जो हमारा गवर्नमेंट है, वो चाहे तो हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली वो नहीं करते। उन दोनों के अलावा अगर कोई आपके डाटा को चुराने का ट्राई करेगा, तो भी वो चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो जो ताला है उसका चाबी आपके पास है। मतलब हमारा जो गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज है, वो किस में चलता है, वो चलता है आपके जीमेल में। और जीमेल का जो पासवर्ड होता है, वो होता है उस एनक्रिप्टेड फाइल का चाबी, ठीक है। अगर वो चाबी आप किसी को दे दिए, इसका मतलब वो आपके सारे डाटा को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड अगर मुझे पता चल गया, तो मैं आपके गूगल ड्राइव में या गूगल फोटोज में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इजीली उसे एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो चाबी मेरे पास है अभी, ठीक है। तो ये वाला दिक्कत है, अगर आप फोटोज़ को ऑनलाइन सर्विस में, मतलब जो क्लाउड सर्विस होता है ड्राइव गूगल फोटोज़ में आप सेव करते हो,
तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत ही सिक्योर होता है, बहुत ही सेफ होता है। बट जो आपके पास जो चाबी है, मतलब आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड, वो आपको किसी को भी देना नहीं है। वैसे अगर आपका फ़ोन हैक हो गया और आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड किसी के हाथ लग गया, तो वो इजीली आपके फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव में एंड गूगल फोटोज में इतने फोटोज नहीं रखता हूँ, बट कुछ कुछ फोटो तो मैं भी गूगल फोटोज में रख लेता हूँ। वो वाला डॉक्यूमेंट्स में गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज में रखता हूँ, जिसे कि खोने से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कोई भी पर्सनल फाइल्स, मतलब पर्सनल फोटोज, मैं गूगल ड्राइव में अपलोड ही नहीं करता। गूगल ड्राइव हो या गूगल फोटोज हो या वन ड्राइव, ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्विस है, आपको पता होगा, ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, तो ये बहुत सारे जो क्लाउड सर्विसिंग है, वहाँ पे मैं कोई भी डाटा को, मतलब पर्सनल डाटा को सेव नहीं रखता। जैसे कि मेरा जीमेल आईडी का पासवर्ड, कोई डॉक्यूमेंट्स का पासवर्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा पान कार्ड, ये सब मैं वहाँ पे नहीं रखता। क्योंकि अगर मेरा जीमेल आईडी का पासवर्ड किसी गलत हाथ में लग गया, तो वो मेरे सारे डाटा को लेके बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होते हैं, उसे मैं गूगल ड्राइव में सेव नहीं करता हूँ। तो आप भी फोटोज या डॉक्यूमेंट्स को आप गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज में अपलोड कर सकते हो, नहीं तो कोई भी क्लाउड सर्विसिंग में आप अपलोड कर सकते हो। बट ये ध्यान में रखना कि जो आपके पास जो चाबी है ना, वो किसी और के पास ना जाए, इसलिए पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग देना है। अगर आप अपने फोटोज या डॉक्यूमेंट्स को लेके इतना चिंतित हो, तो मैं और एक टिप आपको दे देता हूँ। तो अगर आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन है, और वहाँ पे अगर आप फालतू के परमिशंस दे के रखे हो, तो वो भी आपके फोटोज या डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं कैम स्कैनर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जांपल की तरह मैं ले रहा हूँ कि कैम स्कैनर बैन हो चुका है। क्योंकि जब हम कैम स्कैनर को इंस्टॉल करते थे, वो आपका स्टोरेज का परमिशन मांगता था, और वो मांगना भी जायज है, क्योंकि वो क्या करेगा, स्कैन करेगा हमारे स्टोरेज के कुछ फोटोज को स्कैन करेगा, नहीं तो कोई फोटो को स्कैन करके अपना मोबाइल में सेव करेगा, तो स्टोरेज को एक्सेस करना जायज है, तो हम उसे परमिशन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। बट कैम स्कैनर क्या करता था, हमारा स्टोरेज के साथ साथ हमारा मैसेज, हमारा कॉल सर्विस, हमारा कॉन्टैक्ट, हमारा लोकेशन, वो सबका भी परमिशन मांगता था। और हम क्या करते हैं, बिना देखे उसे अलाउ 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 टैप टैप करके चले जाते हैं, उसमें भी हमको बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कैम स्कैनर है, हमारे कॉन्टैक्ट को भी एक्सेस करता था, मतलब हमारे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट थे और हम जो भी नाम में उसे सेव किए, वो सब क्या कर रहा है, उन लोगों को, मतलब उसको एक्सेस कर रहा है। तो ये सब आपको देखना है। तो आप मोबाइल के सेटिंग में जाइए, और वहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग्स को जाके आप वहाँ पे चेक कर लो कि आपके जितने भी एप्लीकेशन से वो फालतू में कोई और परमिशन तो नहीं ले रहा है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, फ्री फायर या BGMI, बैटल ग्राउंड का एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या करेगा, हमेशा हमारा स्टोरेज का परमिशन मांगेगा, क्योंकि हम अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, हमारे डाटा को सेव करने के लिए वो स्टोरेज का परमिशन मांगेगा, वो तो जायज है। बट अगर वो आपका लोकेशन मांग रहा है, अगर वो आपका कॉन्टैक्ट का परमिशन मांग रहा है, अगर वो आपका कैमरा का परमिशन मांग रहा है, तो वो आप नहीं दोगे। तो आप आज ही जाके सारे एप्लीकेशन के जो एप्लीकेशन इन्फो वाला पार्ट होता है, वहीं पे जाके परमिशंस को चेक कर लो, कहीं आप गलती से कुछ फालतू परमिशंस तो नहीं दे दिए। क्योंकि अगर आप परमिशन दे दोगे, तो वो आपके पूरे मोबाइल को अपने कब्जे में रख लेते हैं। और अगर आप गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज में फ़ोटो वगैरह सेव करना चाहते हो, तो आप बेफिक्र होकर कर सकते हो, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होता है। बट ये ध्यान में आपको रखना है कि पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग देना है, जैसे कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर एंड एक स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ये चारों के चारों प्रेजेंट होना चाहिए, और आपके पासवर्ड को किसी और के हाथ लगने नहीं दें, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं, हम फेसबुक का पासवर्ड किसी और को दे देते हैं, बट वो पासवर्ड ही हमारा जीमेल का पासवर्ड होता है, तो वो पर्सन अगर चाहे फेसबुक का पासवर्ड से आपका जीमेल को एक्सेस कर सकता है, और अगर वो जीमेल को एक्सेस कर लिया, तो आपके सारे कारनामा आपको बिना पूछे ही वो देख सकता है। तो इसीलिए आप कभी भी आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड, जो जीमेल आईडी का पासवर्ड है, वो किसी और को ना दे, और टाइम टू टाइम उसे चेंज करते रहे, जैसे कि एक साल में, छः महीने में उसे
चेंज करते रहे। अगर आप एक यूट्यूबर हो या आपके आप सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा लिंक में रहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हर 15 दिन या 30 दिन में अपना पासवर्ड को चेंज करते रहो। क्योंकि देखो अभी मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो चुका है तो अभी मेरे जीमेल आईडी का पासवर्ड को हैक करने का बहुत चांसेस है, क्योंकि लोगों ने ट्राई करेंगे अगर कहीं से भी मेरा जीमेल आईडी को वो एक्सेस कर लिए तो मैं मेरा चैनल को लेके चले जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ता है, हर 15 दिन या 30 दिन में अपना पासवर्ड को चेंज करना पड़ता है और मैं चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी आप खुद को सिक्योर रखना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दो, अपने पासवर्ड को किसी और के साथ शेयर मत करो। और ये ध्यान में रख लो कि आपका फेसबुक का पासवर्ड, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड सेम ना हो, क्योंकि अगर किसी को एक का पासवर्ड पता चल गया तो समझो वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इजीली एक्सेस कर लेगा। इसीलिए आपको पासवर्ड को डिफरेंट डिफरेंट रखना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, उसके साथ साथ आपके पासवर्ड को किसी और को नहीं देना है, ठीक है। तो जो इंक्रिप्शन है उसे संभालने के लिए अपने चाबी को अपने पास ही संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन में कैसे फोटो सेव होते हैं, इसे कैसे गवर्नमेंट एंड जो कंपनी एक्सेस कर सकते हैं और जो हमारा फाइल्स कितने सिक्योर है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अगर आपको कुछ और डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को शेयर कर सकते हो और उनको भी बता सकते हो कि कैसे हम इस ऑनलाइन दुनिया में सेफ रह सकते हैं, उनको भी बता सकते हो। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर लो और आपको जो भी डाउट है ना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में है ना, आप वहाँ पे कमेंट कर लो, आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा मैं आपको सलूशन देता रहूँगा। तो इस बात पे आप डेविल टेक टिप्स को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए उसके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद।